सर मैंने रिश्वत नहीं ली। अरे यार मैं आईएएस नहीं हूँ, आ जाओ बैठो बैठो। हैं? और क्या? खाम का टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। अरे मूवी आ रही है मेरी, आओ तो बैठो। रिएक्शन करना क्या है? बताऊंगा, अभी मैं आईएएस नहीं हूँ, अब मैं एक नए किरदार में आया हूँ। देख लेते हैं क्या है इस बार नया किरदार। तो नया किरदार ये है कि मतलब मेरी तो नहीं, मिस्टर राजकुमार राव जी की एक काफ़ी अच्छी मूवी आ रही है, और जो कि जिसका अनाउंसमेंट जो है वो टी सीरीज ने किया है। वैसे आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि जो हमने स्टार्टिंग किया था से कि किन की बात कर रहे थे, राजकुमार राव जी काफ़ी सारे कैरेक्टर हमने उनकी दमदार एक्टिंग देखी काफ़ी सारी फिल्मों में, और एक नई फिल्म के साथ आ गए। और जहाँ तक मुझे मतलब मुझे समझ में आया अब तक, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत हार्ट टचिंग होने वाला है। मतलब आईएएस नहीं है लेकिन कोई ऑफिसर तो है, जैसा इनके मैंने इनका जो लुक दिख रहा है, इनका जो लुक दिख रहा है उन फोटोज में, मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये किसी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, कोई ऑफिसर है, कुछ तो है। जो आ रही है मूवी उसका नाम है भीड़। मतलब समझ रहे हो कि भीड़ किस सेंस में हो सकता है, भीड़ काफ़ी सेंस में हो सकता है। जो पर्टिकुलर मैंने जैसे जो थंबनेल देखा इसका और भीड़ जब नाम पढ़ा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसमें लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ के आए थे, कुछ लोग मूवी मतलब के पीछे चिपक के अलग अलग तरीके से लटक लटक के आए थे लोगों ने। मैंने एक पिक्चर देखी थी उसके अंदर खुद को जंगले से बांध रखा था, ट्रेन की जो जंगला होता है ना उससे बांध रखा था और ट्रेन के बाहर था वो, तो भीड़ कहीं ना कहीं वो भी डिनोट करती है। हाँ, और जहाँ तक डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा कि ये उस दौर का एक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ लोग अपने घर की तलाश में निकले थे। मतलब था तो पूरा घर ही उनका, था तो पूरा हिंदुस्तान, लेकिन अचानक से बिखर गया था। तो देखते हैं कि किस एंगल से प्रेजेंट किया गया है पार्टीशन को यहाँ पे। स्टोरी तो पार्टीशन की ही लग रही है, अभी मैं 99% श्योर हूँ, 100% हो जाऊँगी। एक बार हम शुरू करते हैं टीजर को, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उससे रिलेट उसने थंबनेल में ही शो हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, देन देखते हैं। इस पर आप मजाक नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये सीरियसली उस पॉइंट से रिलेट करता है। मैं आपको एक दो बता देता हूँ चीज़ें, जैसे राजकुमार राव जी हैं और इनके साथ कौन है इसमें मेनली, भूमि पेडनेकर, तो आप जानती हैं ना कौन है। बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि अनाउंसमेंट में क्या चीज़ उन्होंने प्रेजेंट किया। टी सीरीज कुछ अच्छा ही लाती है वैसे तो, और मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कुछ मीनिंगफुल आ रहा है, कुछ मीनिंगफुल आ रहा है हमारे सामने। क्योंकि बॉलीवुड ने काफ़ी कचड़ा फैला दिया था ऐसा मेरे को लगता है, कुछ भी डाल रहे थे, बस रीमेक्स आ रहे थे, कुछ क्रिएट नहीं हो रहा था, रिक्रिएट हो रही थी चीज़ें, और कहीं ना कहीं मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद नहीं आ रही थी। आपका क्या व्यू है ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ ये देख करके ऐसा लग रहा है कि कुछ नया आ रहा है, कुछ नया काम किया गया है। और एक्टर्स की बात करूँ अगर मैं, तो भूमि पेडनेकर के किरदारों को देखिए और राजकुमार राव के किरदार को देखिए, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला इनके किरदारों से। ये एक चीज़ हमने देखी है कि एक्शन फालतू का ड्रामा और इन सब से ज़्यादा हटा के राजकुमार राव ऑफिसर लेवल की वीडियोस या मूवी उनकी ज़्यादा आती हैं। मूवीज़ में हमेशा ना कुछ लेसन रहा है, कुछ मैसेज रहा है, और भूमि पेडनेकर ने भी स्क्रिप्ट बहुत चूज की हुई है। आपने लास्ट मूवी राजकुमार राव की मैंने देखी थी, उसमें वो आईएएस थे ठुकरा के मेरा प्यार, उसमें भी लेसन दिया उन्होंने कि भाई आईएएस बन जाओ तो लड़की मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। हाँ, और इनकी मुझे न्यूटन बहुत अच्छी लगी थी वैसे तो, क्योंकि जिस तरह के किरदार ये करते आए हैं बहुत अच्छे से निभाते हैं, और हम इनसे ना कनेक्ट कर पाते हैं इनके हर रोल में, हर एक चीज़ में फिट हो जाते हैं यार, ये मेन बात ये है। हाँ, हालांकि ये एक्शन हीरो नहीं रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन सिखा के बहुत कुछ आते हैं, तो रियल लाइफ एक्शन जो है वो इनके लिए यही है मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए ये शुरू करते हैं पहले हम, लेट्स बिगिन। ये कहानी इतिहास के ऐसे घूमने की है right. जब हमारा देश बट गया था, ये कैसा हुआ? पटरी पे सो रहे हैं यार। पूरे देश को उसकी जड़ों से हिलाकर रख दिया था। आपको लग रहा होगा कि 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो रही है। 1947 नहीं है, 2020 तो ये लॉकडाउन पे बनी है। यार शिट, हमने जो गेस किया था वो बहुत ही गलत था ये। हाँ, लोगों की घर वापसी थी,
लेकिन भगे थे लोग। सोनू सूद ने बसें भी चलाई थी, मुंबई से लोग गए थे। मैंने पर्सनली दिल्ली में देखा था, क्योंकि हम लोग दिल्ली में ट्रैवल कर रहे थे, लोगों को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मैंने भी पर्सनली देखा था कि लोग 300-300 किलोमीटर दूर से, मेरे देखो रोंगटे सीरियसली खड़े हो गए हैं, गूज़बम्प आ गए मेरे को। 300-300 किलोमीटर से सर के ऊपर इतना बोझा लेके, साइड में बच्चों को लेके चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, कुछ लोग नंगे पैर चल रहे। तो उस वक्त जब कोविड इतने पीक पे था, जब जान का जोखिम हर इंसान के ऊपर था, वो कहीं ना कहीं अपने घर की तलाश में निकले थे, और पुलिस की लाठी का डर था, ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस कुछ भी नहीं था, और एक उम्मीद भी नहीं थी कि हम अपने घर वालों से मिल पाएंगे या नहीं। तो सिचुएशन शायद वही एक्सप्लेन की गई है। इंसान एक कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रही थी मूवी, रोटी कपड़ा और मकान, तो कुल मिला के इंसान वो इन तीनों चीज़ों के लिए तरस गया था उस टाइम पे। तो अपनी रोटी की तलाश में निकला था और अपने मकान तक पहुंच ही नहीं पाया। और सॉरी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस देश से ये स्टार्ट हुआ था वो आज तक इस चीज़ से उभर नहीं पाया, चाइना की। आप डेली न्यूज़ देख रहे हैं कोविड से रिलेटेड, लेकिन अभी इंडिया के लिए खास एक अभी अपडेट आया कुछ कोविड से रिलेटेड। इंडिया के अंदर काफ़ी मतलब जो सेकंड डोज थर्ड डोज लग रही थी, बिलियंस 1.7 बिलियंस कुछ ऐसा कुछ दिखा रहे, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हमने अचीव किया है। तो मतलब वो अभी भी इस चीज़ को लेके डरे हुए हैं कि लोगों के साथ ये चीज़ दोबारा ना हो, तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा कुछ दर्ज हो रहा है कि ऐसा कुछ हम लोग अभी भी कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं वो ये चीज़ भूल गए हैं कि पिछले 2-3 साल उनके कैसे गुजरे हैं, लेकिन इंडिया अभी भी इन चीज़ों को याद रख रहा है, क्योंकि इंडिया ने, मेरे अकॉर्डिंग, मैं इंडिया में रहता हूँ तो बहुत सफ़र किया है, बाहर की कंट्री में किया होगा, लेकिन इंडिया में मैंने लोगों को देखा है, काफ़ी सारे लोग जो ऐसे थे किसी से नाता नहीं रखते थे, उन्होंने भी एक दूसरे का साथ दिया। ये एक ऐसा दौर था जहाँ इंसानियत दिखी हमें, और हाँ उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी दिखा कि हर इंसान अपनी जान के लिए कितना लड़ रहा है। बिल्कुल कहीं कहीं पे ऐसा दिखा कि लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को ही छोड़ दिया, और कहीं ऐसा दिखा कि किसी ने अपने पड़ोसी के लिए भी अपनी जान की फिक्र ना करके उसके साथ खड़ा रहा। ये देखा कि अपना ही परिवार, उसकी ही लास्ट राइड्स करने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन हाँ हमने ये भी देखा कि एक अनजान शख्स ने भी एक अनजाने शख्स को खाना खिलाया। तो हर तरह की सिचुएशन हमने बैटल की, हमने देखी, देखते हैं इसमें आगे क्या दिखाया जा रहा है। देखा स्टार्टिंग में तो बात करता हूँ और वही यहाँ पर इसमें भी तो यही था, लेकिन नहीं, एक बार फिर हुआ था बंटवारा 2020 में, जब हमारे ही देश में बॉर्डर सील किए गए थे, और अचानक लोगों को ये एहसास हुआ कि वो घर उनके हैं ही नहीं जहाँ वो इतने सालों से रह रहे थे। और शिट, ये कितनी ऐसे टच कर गई लाइन, और एक बार फिर हमारे समाज को अंधकार में कह दिया। ये ना एक बॉडी में जो करंट दौड़ रहा है ना मेरे, ब्लैक एंड व्हाइट और ये सब लिखा हुआ देख के, और लोगों को इस तरीके से देख रहा हूँ ना, मुझे लगता है आप भी इसे देखोगे तो आपको भी गूज़बम्प्स आ जाएंगे। दिस इज समथिंग विच टचेज आवर हार्ट। आप मतलब उस दौर को शायद कभी आप दोबारा सोचना भी ना चाहो। जो स्टार्टिंग थी उससे मेरे को ऐसा लगा कहीं ना कहीं एक हॉटस्टार पे वेब सीरीज आई थी ग्रहण, उससे मिलता जुलता कुछ हो सकता है अगर ये 1947 से रिलेटेड नहीं है, बट उससे भी काफ़ी अलग था ये, कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया। ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस चीज़ को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद बोलो या फिर क्या कमियां हुई थी या किस तरीके से गवर्नमेंट ने और लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, वो सब कुछ बोल सकते हो। और मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा जो मुझे इस ट्रेलर में दिख रहा है वो ब्लैक एंड वाइट शेड है। ये दौर था दुखों का, इसमें कोई रंग नहीं थे, और जो इसका ट्रेलर का भी जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दुखों को ही डिनोट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुझे बहुत ही सिंबॉलिक लगा। बिल्कुल और मेरे को कहीं ना कहीं, मैं अगर बोलना नहीं चाहिए बट मेरे को लग रहा है कि बीच बीच में लोगों ने आके जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया था उस टाइम पे, लाइक सोनू सूद के लिए मैं बोलना चाहूँगा पर्सनली इस वीडियो से रिलेटेड, उन्होंने जो किया था मुंबई के लोगों के लिए, लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी आई थी कि हाँ यार कोई तो है हमारे बारे में सोच रहा है।
हालांकि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन जो हाईलाइट हुए, जिनके बारे में ज़्यादा पता चला, वो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बारे में मैं ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो सोनू सूद को आप जानते हैं, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। आई विल सैल्यूट एवरी फ्रंटलाइन वर्कर, एवरी कोविड वॉरियर, जिन्होंने दूसरों की मदद की, जिन्होंने खुद की मदद की। और हम सबके लिए एक बार तो सच में तालियां बनती हैं कि हम उस दौर से कहीं ना कहीं निकल के उभर कर आ गए हैं वापस। और हाँ, ये मैसेज भी ज़रूरी है इस मूवी के थ्रू शायद, कि ऐसा कुछ इन फ्यूचर ना आए, हमें अब भी प्रिकॉशंस रहना चाहिए। वो चीज़ें हमारे अंदर से जो सीखा हमने, वो नहीं जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि अब लोग फिर से लापरवाही थोड़ी सी करने लगे हैं, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अब यार अगर चीज़ें ठीक हुई हैं, क्योंकि लोग अभी भी मेंटली उस चीज़ से बाहर नहीं आए हैं, लोग जो अभी भी वही चीज़ है, क्योंकि जिन लोगों ने जो चीज़ उस टाइम पे खो दी है ना, वो वापस नहीं आई, चाहे फैमिली मेम्बर हो या फिर बिजनेस हो किसी का या फिर जॉब, क्योंकि काफ़ी लोगों को तंगी हो गई थी कि उनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस के अलावा उनके पास कोई और जरिया नहीं था, तो वो चला गया। मुझे लगता है अमीर गरीब हो गया, एक भरा पूरा परिवार शायद अकेला हो गया, और कितने लोगों गरीब, ने कितना कुछ गरीब और गरीब हो गया, क्योंकि गरीब के लिए कहीं ना कहीं परिवार ज़्यादा मैटर करता है उसके लिए, क्योंकि वो गरीब पहले से ही है, तो पैसा तो उसके लिए मैटर नहीं है कि वो कमा रहा है और डेली खा रहा है, लेकिन जब उसके परिवार से कोई मेंबर कम होता है तो वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाली थी उस टाइम पे, लेकिन अब भी मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को देख के चलो कि इन फ्यूचर दोबारा ऐसा कुछ ना हो। मुझे लगता है ये मूवी हम सबको देखनी चाहिए, ये मूवी याद कम और मैसेज ज़्यादा होगी, और इसमें एक्टिंग ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी होने वाली, क्योंकि राजकुमार राव हैं, भूमि पेडनेकर हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्प्रेसिव काम होने वाला है। मैंने ये भी देखा था कि कृतिका कामरा भी इस मूवी का हिस्सा बनने वाली है, काफ़ी ऐसे कैरेक्टर हैं, काफ़ी ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको आपने काफ़ी सारी, जैसे CID के वो अभिजीत हैं, हाँ। वो तो मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं जो हमारे दिमाग में एकदम छाप छोड़ गए हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स डेफिनेटली स्टोरी को रियल ग्राउंड्स पे प्रेजेंट करेंगी, कुछ ना कुछ वो इंटरेस्टिंग काफ़ी प्रेजेंट करेंगे। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रहण की बात की थी, तो उससे रिलेटेड मैं एक चीज़ और अपडेट दे देता हूँ कि अभी हम लोग, जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी वेब सीरीज़ और मूवी हैं जो नहीं देखी होंगी, आई होप देखी हो तो काफ़ी अच्छा है, और जो हमने भी नहीं देखी होंगी ऐसा भी है, तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि आप लोगों को पता चले कि ऐसा क्या हुआ था हमारे इतिहास में, या क्या चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो वेब सीरीज़ हैं, मूवी हैं, उनको हम आपको बताएंगे और उनके कुछ क्लिप्स आपको दिखाएंगे, जिससे आपको पता चले कि क्या वो मूवी देखनी चाहिए आपको, या ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको ये सीरीज़, ये मूवी देखना है या नहीं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा AGSK360 को, और हमें फॉलो भी करना होगा इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि है AGSK_। तो भूलना नहीं इस वीडियो को लाइक कर देना।